हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं प्रिया खंडेलवाल प्रिया संघ पूजन चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं गुरु जी के द्वारा बताए गए 5 दियों का नियम उपाय लेकर के आई हूँ। यदि आपके घर में लक्ष्मी जी का वास नहीं हो रहा है, जी के द्वारा ये उपाय बताया गया है। आपको 5 दीपक लगाने हैं, कैसे लगाने हैं, कहाँ लगाने हैं, ये सब कुछ मैं आज इस वीडियो में बताऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जा कर के हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मैं आज बताती हूँ आपको कि 5 दीपक कहाँ और कैसे लगाने हैं। आपको 5 दीपक लेने हैं और गौ माता का ही घी आपको दीपक में डालना है। यदि जिन मेरे भाई बहनों के पास शुद्ध देसी घी नहीं मिल पा रहा है, नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, तो वो तिल का तेल भी यूज कर सकते हैं। अब आपको बाती कौन सी लगानी है? बाती आपको लगानी है लंबी, लंबी बाती लगानी है। हर दीपक में 2 बाती लगानी है, आपको 2 बाती लगानी है क्रॉस करके। जलानी आपको एक ही, किसी भी साइड पे आप 1 बाती जला सकते हैं, लेकिन आपको लगानी 2 बाती हैं हर दीपक में। तो ये 5 दीपक इस तरह से हमें तैयार कर लेने हैं गौ माता का घी डाल के। अब आपको इन दीपकों को लगाना कहाँ है? इन दीपक को लगाने के लिए 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आप अपने प्रवेश द्वार पर, जहाँ से आप एंट्री करते हैं, आप वहाँ पे उसको राइट साइड पे आप दीपक को लगा सकते हैं, 5 दीपकों को। आपको ये ध्यान रखना है कि दीपक को फैलाना नहीं है, आपको दीपकों को राइट साइड में रखना है, 5 दीपक को एक साथ ही रख देने हैं। ये हो गया पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये है कि यदि आपके घर में पेड़ पौधे लगे हुए हैं, जिसमें कि नीम का पेड़ है, आंवले का पेड़ है, समी पत्र का पेड़ है, बेल पत्र का पेड़ है और तुलसी जी का पेड़ है। तुलसी जी का पेड़ तो सबके ही घर में होता है, तो आपको यदि आपके घर में लगे हुए हैं पेड़ पौधे, तो आप एक एक दीपक सभी पेड़ पौधों के पास लगा सकते हैं। एक तुलसी जी में, एक नीम में, एक आंवले में, एक समी पत्र में, और हो तो एक आप द्वार पर भी अपने रख सकते हैं राइट साइड में। ऐसा आपको करना है। जैसे हम लोगों ने जो किया, तो हमारे घर में पेड़ ऐसे नहीं है कि मैं बहुत सारे पेड़ हों, तो हम लोगों ने तो अपने प्रवेश द्वार में ही राइट साइड में लगा दिया था। तो ऐसा आपको दूसरा ऑप्शन ये इस तरह से करना है। अब आपको तीसरा ऑप्शन क्या करना है? गुरुदेव जी ने कहा कि यदि बारिश का मौसम चल रहा है इस समय, तो बारिश हो रही है, तो कहाँ का लगाएं, कैसे लगाएं? तो आप ये कर सकते हैं कि आप 5 दीपक जहाँ पे भी आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जहाँ पे आपके देवी देवता रखे हुए हैं, आप वहाँ पे 5 दीपकों को लगा सकते हैं, लेकिन सारे लंबी बाती के ही लगाने हैं। हाँ, इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि अगर आप जो पेड़ वाला उपाय कर रहे हैं, पेड़ जहाँ पे पेड़ पौधे लगे हुए हैं आप वहाँ पे लगा रहे हैं, तो आपको तुलसा जी के पास जो दीपक लगाना है वो गोल बाती का ही लगाना है, क्योंकि तुलसा जी के पास लंबी बाती का दीपक नहीं लगता है, वो गोल बाती का ही लगता है। बाकी अगर आप मंदिर में लगा रहे हैं तो आप लंबी बाती का ही लगाएं, अगर आप द्वार पे लगा रहे हैं तो आप लंबी बाती का ही लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको 3 ऑप्शन है, तीन तरह से आप कहीं भी इन दीपकों को लगा सकते हैं। इस उपाय को करने से आपको, आपके घर में लक्ष्मी जी का वास होगा, धन संपदा बढ़ेगी, गौरव बढ़ेगा, वैभव बढ़ेगा। तो आपको ऐसे ये आप कर सकते हैं। अब आपको जानना है कि आपको किन किन तिथियों पर ये उपाय करने हैं। तो आपके गुरु जी ने कहा कि आपको इन 7 तिथियों पे आपको ये उपाय करने हैं। तो उपाय ऐसे हैं कि आपको पहली तिथि है पंचमी तिथि, दूसरी तिथि है पंचमी तिथि के बाद आपको करना है, मैं आपको बताती हूँ, पंचमी तिथि के बाद आपको करना है अष्टमी तिथि पर, अष्टमी के बाद आपको एकादशी, एकादशी के बाद आप प्रदोष, प्रदोष के बाद शिवरात्रि, अमावस्या और पूर्णिमा, ये तिथि हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप जाकर देख सकते हैं कि हमारी ये तिथियाँ कौन कौन सी हैं, और उन तिथियों में आपको ये 5 दीपक लगाने हैं। तो मैं आपको यहाँ पे डेट इसलिए नहीं बता रही क्योंकि कहीं कहीं पे फर्क हो जाता है डेट का, इसलिए ये तिथियाँ हैं, आप अपने कैलेंडर में जाकर के देखें और उस तिथि के अनुसार आप इन दीपकों को लगाएं और ये उपाय करें। गुरुदेव जी ने बताया कि इस उपाय को करने से घर में लक्ष्मी जी का वास होगा, तो आप ऐसा उपाय करें और अपने घर में लक्ष्मी जी का वास, लक्ष्मी जी को प्रसन्न करें। धन्यवाद। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तु।